आज हम बनाएंगे मक्का के पराठे। मक्के के आटा, देखिए पानी खोल रहा है। इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची पीस लिया। ये देखिए हरी मिर्ची और ये हरा धनिया, ये हमने पीस लिया मिक्सी। हरा धनिया हरी मिर्ची जो पीसी से वो डालेंगे इसमें। काला नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे, लाल मिर्च, जीरा और ये हींग डालेंगे। घी डालेंगे एक चम्मच, इसमें अभी गर्म पानी डालेंगे तो इसी में मिक्स हो जाएगा। थोड़ी अजवाइन डालेंगे क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में अजवाइन फायदा करती है। ये भुना हुआ जीरा है, थोड़ा डालेंगे ये हरा धनिया इसमें। देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये गर्म गर्म पानी। ये देखिए अभी ये गर्म है इसलिए चमचे से किए ले रहे, इस तरह से मिक्स। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको हाथों से गूंथेंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे धीरे धीरे हाथों से ऐसे कर देंगे, इसको मार के रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आटा मड़ा हुआ है। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसकी चाहे तो कचौड़ी की तरह सेको, चाहे पराठा सेको, सब्जी चटनी अचार किसी के साथ भी खा सकते। ये नहीं है कि सब्जी नहीं है तो नहीं खा सकते, चटनी और अचार से भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग बनाएंगे तो बच्चे बोलेंगे मम्मी वही वाली मक्के वाली पूड़ियाँ बनाओ, पूड़ियाँ या पराठे। थोड़ी सी चटनी बना ले रहे, देखिए टमाटर डाल दे, लहसुन, थोड़ा प्याज और हरा धनिया, ये है मिर्ची, नमक, थोड़ी लाल मिर्च, जीरा और ये है काला नमक। अब हम पीसेंगे चटनी। ये हमारी हरे धनिया की चटनी बनकर हो गई तैयार, इसमें डाल लेंगे। और इसमें से आटा लेके बनाएंगे लोइयां। इस तरह से इसमें लगाएंगे सूखा मक्के का आटा, परथन लगाते उस तरह से, और इसको हम बेलेंगे। ये हमने बेल लिया, देखिए ये थोड़ी सी किनारी वैसे हो गई, कोई बात नहीं, अगर चाहो तो आप गिलास से भी कट कर सकते हैं। इसको लेके डालिए तवे पे। ये देखिए हमारा मक्के का पराठा बनकर हो गया तैयार। ये देखिए आपको जितना घी लगाना है ज़्यादा कम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे कम चिकनाई में भी बना के खा सकते हैं। और दूसरा मैंने बनाया बहुत बड़ा, देखिए इसको हम देंगे पलट। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई झंझट नहीं है। पहले मक्का की रोटी बनाने के लिए, पराठे के लिए बहुत सोचना पड़ता था, हमें आटा गूंथना नहीं आता है, मेरे हाथों से रोटी बनानी नहीं, एकदम बहुत ही आसान तरीका बनाने का है। ये बच्चे भी बना सकते हैं इस तरह से देख के, ये समझ लो। इसमें भी घी लगा देंगे, देखिए आप जो भी खाते हो घी रिफाइंड तेल वही लगा सकते हैं इस पर। और इसको फिर से पलट दें, इस पर दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने पराठा बना के कर लिया तैयार। ये है चटनी, ये है मक्के के पराठे। और देखिए ये देखिए इस तरह से खाइएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।